एक बड़ा खतरनाक कीड़ा है, सुलह कुल्ली, सुन्नियों में सुन्नी, वहाबियों की तारीफ कर कर के लोगों को वहाबी बनाता है। समझ गए? उनका रास्ता इधर से उधर तब्दील करता जाता है। ऐसे लोग भी हैं, पढ़ाते भी हैं, इमामत भी करते हैं, तकरीर भी करते हैं, पीरी मुरीदी भी करते हैं। समझ गए? तो अब ऐसे लोगों से बच कर रहो। एक पीर ऐसा निकला, या अल्लाह, वो अपनी खूब करामतें करवाता है अपने मदरसे से, मदरसे के तलबा से अपनी एक मनकबत पढ़वाई और खुद खड़ा हुआ। लड़के सब बात करके मदरसों में, जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं सुबह के वक्त, वैसे अब एक मनकबत भी पढ़ रहे थे। ये मेरा खुदा है, ऐसे उंगली उठा उठा कर, ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा, उसकी तरफ। और ये तो एक मिसरा हुआ, पूरी नजम इसी तरह पर थी। समझ में आया? और वो हिंदुस्तान में बहुत जगहों पर पीर बनकर लोगों का ईमान लूटता है। उससे मुरीद होना अपने ईमान को कुफ्र से बदलना, बल्कि अपने लिए कुफ्र का रास्ता हमवार करना है। इसलिए उससे बचो। कौन है? मैं नाम लेके बता दूं, मैं डरता उड़ता नहीं। ये सैयद सरावा का अब्बू मियां है। समझ गए? वो सिर्फ बद मजहबों का अब्बू मियां है। समझ गए? हम सुन्नियों के नजदीक तो माज़ अल्लाह, वो अपनी मनकबत मेरा खुदा है करके पढ़वाता है। और लड़के उंगली उठा उठा कहते हैं, ये मेरा खुदा है, ये मेरा खुदा, इस तरह। और अल एहसान नाम का या एहसान नाम का एक पर्चा निकलता है उसके मदर से, उसमें गुमराही की बहुत सारी दावतें। हमेशा यही तरीका उसका चलता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को नए नए किस्म के ये पीर, मौलाना, इमाम, इन सब से बचने की तलकीन करता हूँ। समझ गए? अल्लाह ताला आप सब के ईमान की हिफाजत करे, जिस तरह मेरी हिफाजत अल्लाह ताला मेरे ईमान की हिफाजत बचपन से अब तक करता आया, उसी तरह इंशाअल्लाह मुझे दमे वापसी तक ईमान पर ही कायम रखेगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस तरह बने।